नेपोलियन हिल से जब जीवन में सबसे बड़ी सीख को लोगों ने कहा ना, एक लाइन में बता दो, नेपोलियन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर कई वर्षों तक अध्ययन किया और फिर एक व्यक्ति राजस्थानी मारवाड़ी गया, उन्होंने कहा साहब हमें पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, एक लाइन में बता दो। तो उन्होंने पता क्या बोला, डोंट टेक इट पर्सनली, दिल पे नहीं लेना, क्योंकि रास्ते में तो स्क्रेच होंगे, हम इमोशनल हैं, हमारे स्क्रेच तो होंगे। ऐसे मार्केट में जाएंगे लोग तो आपको कुछ कहेंगे, तो पहली बात तो दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल पे लेते लेते तो खत्म ही हो जाएंगे, फिर सबका दिल पे लेते चले जाएंगे, एक बार। दूसरी बात, आप कह रहे हैं दोबारा ट्रस्ट करें कि नहीं करें, सोच समझ के, विचार करके, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार ट्रस्ट तोड़ा है तो फिर ट्रस्ट तोड़ने का मतलब क्या, वो छोटा भी हो सकता है बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटा मतलब क्या कि आपको कहा कि हाँ हम यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे और एंड टाइम पे उसने कह दिया नहीं नहीं जाएंगे, ये भी ट्रस्ट तोड़ना है। और एक है कोई बड़े लेवल पे ट्रस्ट तोड़ना, यानी कि आपकी शादी हो गई है और कोई तीसरी बीच में आ गई है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या फिर उसने पैसा आपसे लिया बोल करके कि 15 दिन में दूंगा या दूंगी, और बहुत पैसा आपसे ले लिया जो आपने कहीं से अरेंज करके दिया, उसके बाद में आप उसको फोन कर रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहा है 1 महीने तक 2 महीने तक, एक आध बार ना उठाए तो हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बट आपको समझ आ गया उसकी नियत ही नहीं है पैसे वापस करने की। तो जब आपको समझ आ गया है कि वो इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है तो दोबारा भरोसा क्यों करना है, तब तक जब तक कि उसको एक्चुअल में पश्चाताप नहीं होता है। इंसान बदलता है, ये प्रकृति बदलती है, सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज चेंज, सब कुछ बदलता है। तो हो सकता है वो इंसान आज ट्रस्टवर्दी ना हो लेकिन 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो पूरी तरह से बदल जाए। तो आपको देखना है कि क्या वो उसकी एक गलती थी, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है, तब तो ठीक है उसने पश्चाताप कर लिया और बार बार आपको सॉरी बोल दिया कर दिया, बात खत्म। बट क्या वो उसकी फितरत है, क्या वो दुर्जन है, जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया दुर्जन, मतलब कि ऐसे जनों से दूरी रहो, दूरी बना करके रखो।